फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द एटमॉस्फेयर में हम पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। तो ट्रोपोस्फेयर जो है ये क्या है, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर कौन सी गैसेस से बना है, ये दो गैसेस इसमें मौजूद हैं। एक है नाइट्रोजन जो कि प्रेशर ऑफ द अर्थ को उसने मेंटेन किया हुआ है, और दूसरा ऑक्सीजन है जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे रह रहे हैं, ज़मीन पे रह रहे हैं, उनके ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की एक सप्लाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों गैसेस जो है वो मिल के 99% जो है वो अर्थ का वॉल्यूम बनाती है, 99% ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेम्परेचर, अर्थ एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर का ये 99% वॉल्यूम बनाती हैं। कंसंट्रेशन अब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये भी मौजूद हैं, बट इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी। यानी बहुत थोड़ी सी मिकदार में, नेग्लिजिबल क्वांटिटी में मौजूद है, बहुत थोड़ी सी मिकदार में मौजूद हैं। और थोड़ी सी क्वांटिटी में सिर्फ इसलिए कि ये इसकी मदद से जो है वो हवा में नमी, वाटर वेपर की वजह से जो ह्यूमिडिटी लेवल है जो कि हवा में होना ज़रूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, अर्थ को जो है वो हीट इतनी प्रोवाइड करती है कि जिसकी वजह से जो लाइफ है वहाँ पे एग्जिस्ट कर सके। तो दोनों गैसेस अलाउ करती हैं, ये दोनों गैसेस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये अलाउ करेंगी, अलाउ विजिबल गैस, विजिबल लाइट टू पास थ्रू। विजिबल लाइट जो है वो उसको पास करवाएंगी ताकि चीज़ें जो है वो विजुअलाइज हो सकें, चीज़ों को देखा जा सके दिन की रोशनी में, और अब्सॉर्ब कर लेती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो ये शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, और इनके अंदर जो है वो हीट होती है, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस को ये अब्सॉर्ब कर देती हैं जो कि ज़मीन जो है वो कंटिन्यूसली एमिट करती रहती है। अक्सर हम लोग कभी ड्राइव कर रहे होते हैं साफ़ सुथरे रोड पे, हाईवे वगैरह पे, मोटर वगैरह पे, तो हमें जो गाड़ी की विंड स्क्रीन होती है उस पर से इस तरह से गाड़ी की विंड स्क्रीन से इस तरह से रेस ज़मीन से उठती हुई नज़र आ रही होती हैं। तो जो ज़मीन की तह से ऐसे हमें रेस अक्सर उठती हुई नज़र आ रही होती हैं, दीज रेज आर एक्चुअली द इंफ्रारेड रेज जो कि हमारी ज़मीन ऑल द टाइम एमिट करती रहती है अर्थ के टेम्परेचर को वार्म करने के लिए, ताकि वहाँ पे ज़िंदगी वजूद में रह सके। अब्सॉर्ब करती है इंफ्रा रेडिएशन एंड वार्म द एटमॉस्फेयर, और ज़मीन को, फिज़ा को जो है वो गर्म रखती है इतना कि जो जानदार है वहाँ पे आसानी से रह सके, जो उनके बॉडी के टेम्परेचर के लिए ज़रूरी है। कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है, ग्रेजुअली इंक्रीज विद द आल्टीट्यूड। अब आल्टीट्यूड कहते हैं समंदर की सतह से जो हाइट ऑफ द अर्थ पे के कोई भी मतलब एरिया, कितना समंदर की जो तय है वहाँ से कितना ऊंचाई पे है, सतह समंदर से कितना ऊंचाई पे है। तो आल्टीट्यूड जैसे जैसे करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जब वो डिक्रीज करता है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ आल्टीट्यूड, तो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जब वो डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे हम आल्टीट्यूड पे ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर 6 सेल्सियस जो वो डिक्रीज करता जाएगा। जितना हम आल्टीट्यूड से ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर को जाते जाएंगे, जैसे पहाड़ों के ऊपर जो हिल स्टेशन बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा एज़ कम्पेयर टू वो इलाके जिन्हें हम मैदानी इलाके कहते हैं, जैसे कि जो है लाहौर सिटी है, सियालकोट सिटी है,
ये इलाके जो है वो गुजरांवाला सिटी है, ये सारे इलाके कहाँ पे हैं, ये मैदानी इलाके काउंट होते हैं। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें कगान, नरान और सवात की, तो ये क्या है, आल्टीट्यूड पे लाई करते हैं, ये हिल स्टेशंस हैं। तो इनका टेम्परेचर और हम जो मैदानी इलाके जिसमें लाहौर गुजरांवाला आ जाता है, तो वहाँ के टेम्परेचर में फ़र्क होगा। तो दिस इज़ द रीजन जहाँ पे सारे वेदर अकर करते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, ऑल वेदर अकर इन ट्रोपोस्फियर, मौसम जितने भी हैं वो ट्रोपोस्फियर में लाई करेंगे, क्योंकि लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है ट्रोपोस्फियर में। जितने भी जानदार हैं वो ट्रोपोस्फियर एरिया में रह रहे हैं, और जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स जो प्लेन वगैरह हैं वो फ्लाई करते हैं इन दिस रीजन, क्योंकि उनके अंदर जो गैसेस इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं वो गैसेस बस ट्रोपोस्फियर तक के टेम्परेचर और प्रेशर को आसानी से वो जो है वो गैसेस वो वाली जो हैं